देहरादून के सहस्त्रधारा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पिकनिक स्पॉट पर नहाते वक्त एक युवती नदी के तेज बहाव में बह गई। आपको बता दें कि घटना की सूचना पाकर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, जहां टीम की ओर से युवती का रेस्क्यू शुरू किया गया। जानकारी के मुताबिक युवती उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की निवासी बताई जा रही है। इसके साथ ही घटना रविवार की बताई जा रही है। दरअसल सहस्त्रधारा नदी का जलस्तर बढ़ने से मुजफ्फरनगर से घूमने आई युवती नहाने के दौरान नदी में डूब गई, जिसके बाद आसपास के लोगों ने घटना की सूचना एसडीआरएफ को दी। वहीं घटना की सूचना पाकर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और युवती का रेस्क्यू अभियान शुरू किया। इस दौरान एसडीआरएफ की त्वरित कार्रवाई के चलते युवती को 1 किलोमीटर की दूरी से सकुशल रेस्क्यू कर एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। आपको बता दें कि युवती की पहचान 20 साल की स्वाति जैन के रूप में हुई है, जो मुजफ्फरनगर की रहने वाली है। वहीं दूसरी ओर हरिद्वार में गंगा नदी खतरे के निशान पर बह रही है। भारी बारिश ने प्रदेश भर में तांडव मचाया हुआ है। कहीं बारिश के कारण भूस्खलन तो कहीं अतिवृष्टि ने लोगों को जीना बेहाल कर दिया है। नदी नाले उफान पर है। हरिद्वार में भी भारी बारिश के चलते गंगा का जलस्तर चेतावनी रेखा को पार कर चुका है, जिसके चलते रविवार दोपहर 2 बजे भीमगोड़ा बैराज पर दर्ज किए गए गंगा के जलस्तर के मुताबिक गंगा 293.40 मीटर बहती हुई नजर आई है, जबकि गंगा का चेतावनी रेखा निशान 293 मीटर है। बता दें कि गंगा चेतावनी रेखा से 40 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। गंगा लगभग खतरे के निशान 294 मीटर के पास पहुंच चुकी है, जो कि चिंता का विषय है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने जिले के तटीय इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने देहरादून और हरिद्वार जिले के लिए अगले 2 घंटे के भीतर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा गरज चमक के साथ बिजली गिरने और तीव्र बौछार होने की भी संभावना है।